अगुआ कार्यकर्ता बैठक के अध्यक्षता के निहार अध्यक्ष द्वे कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र नंबर दुई प्रदेश क के उम्मीदवार एवं मधेश सरकार के मंत्री पार्टी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य माननीय विजय कुमार यादव जी वनाइते क्षेत्र नंबर दो के प्रदेश ख के उम्मीदवार माननीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी मंच पर मंचासीन दोनों पार्टी के आदरणीय केंद्रीय नेता सब प्रदेश के अध्यक्ष नेकपा एमाले के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार यादव जी उनैते विभिन्न तो और तबका के आदरणीय नेता साथी सब दोनों पार्टी के अध्यक्ष द्वय चंद्रेश्वर प्रसाद मंडल जी और अशोक कुमार यादव जी लगायत विभिन्न पालिका से निर्वाचित हमार नगर प्रमुख साथी सब उपाध्यक्ष जी सब उप प्रमुख साथी सब और एक कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण तह तबका के दोनों पार्टी के आदरणीय अगुआ नेतृत्व करे वाला साथी सब में हम हार्दिक अभिवादन करे चाहे थी। जय मधेश, लाल सलाम, नमस्कार। आदरणीय साथी सब, हमार पूर्व वक्ता साथी सब सब विस्तार में एक उनका जो चुनावी तालमेल है, सहकार्य है, गठबंधन है, तय के महत्व के बारे में, तय के उद्देश्य के बारे में अपने सबके बीच में बात रख लगा। पूर्व वक्ता साथी सब जो बात रख लगा वही सब बात के समर्थन करे हम अपने सबके बीच में कुछ निवेदन करना चाहे थी। आई के जो परिस्थिति निर्माण भाल है नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के बीच में जिस प्रकार के गठबंधन निर्माण वाले वक्कर प्रमुख कारण वही में बहुत कारण है, लेकिन वही के वो प्रमुख कारण है कि दोनों पार्टी के बारे के में जो परसेप्शन निर्माण है, जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी ऑफ नेकपा एमाले और क्रेडिबिलिटी ऑफ जनता समाजवादी पार्टी अपने के हमियों जे प्रकार के पांच दलीय गठबंधन में जनता समाजवादी पार्टी रहे हमर मित्र कहलगा स्थानीय चुनाव में जे परिणाम देखलकै जे ढंग से कांग्रेस के रूप रंग देखलकै हमियों बारंबार ये आवाज उठौलिए कि कांग्रेस जरे सहकार्य का गंगा के नदी पार निभा सकियो। कांग्रेस अपने आप में पार्टी है कि मोर्चा है ये पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस दिशाहीन है, अपना तो दिशाहीन है, ओकरा जे जे पार्टनरी करे है, जे अलायंस करे है, जे गठबंधन करे है, ओकरो दिशाहीन कर दे। तै द्वारे नेकपा के बारे में, नेकपा एमाले के बारे में एगो आम बुझाए है कि नेकपा एमाले के कार्यकर्ता सब ईमानदार हुए छे। नेकपा एमाले के जकरा जरे समझौता हुए छे वो आगे वही समझौता के पूर्ण पालना करे है। ये नेकपा एमाले के सबसे बड़का संपत्ति है और वो नहीं थे जनता समाजवादी पार्टी जकरा जकरा जरे जे समझौता कल किया वही समझौता के अक्षरा से पालन करे है। हम यार हमारा अध्यक्ष जी कहलागा कि यदि हमारा और के केंद्रीय से जे भी निर्णय हेते वो निर्णय तत्काल हमारा और के लिए पसंद हो नहीं हो लेकिन हम यार केंद्रीय निर्णय के शिरोधार्य कक हम यार अपन काम के आगू बढ़े छे। ये जनता समाजवादी पार्टी के विशेषता है। हमरा बुझा ये जो चरित्र है दोनों पार्टी के ये गठबंधन निर्माण हो के एगो प्रमुख कारण मध्य ये सबसे बड़का कारण
जे हमर नेकपा एमाले के अध्यक्ष चंदेश्वर जी कहलगा कि हम और जे प्रकार के प्रतिबद्धता निश्चित रूप से हमरा और के अपने प्रति विश्वास है। नेकपा के संपूर्ण तह तबका के नेता प्रति विश्वास है, मुनाहिते हम पार्टी के नेतृत्व के तह से नेता के हैसियत से जिम्मेवारी पूर्वक ये प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहे थी कि हमरो और के तरफ से जनता समाजवादी पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता जे हमरा और के जे अवस्था है, जे हमरा और के क्षमता है, जे हमरा और के लायकत है, वही लायकत अनुसार अपना पार्टनर के वही प्रकार के सहयोग करवे, कोनो प्रकार के दया माया नहीं हेतै, से हम सम्मानित बैठक में निवेदन करना चाहे थी। तै दुआरे आई संयुक्त अगुआ कार्यकर्ता के बैठक हम अकरा कह चाहे थे कि आई अपना और के बैठक के संकल्प बैठक के रूप में अकरा रूपांतरण कर दियो। यदि ये बैठक ये हाउस यदि संकल्प ले तो हमरा बुझाइए दू नंबर क्षेत्र में कुछ नहीं करे पड़ते। हम और जे मंसिर चार गते जे महाभारत के युद्ध है उस शंखनाद भागल है जे कहलगा वो आके के विजय सुनिश्चित हेते। हमरा और के संकल्प करे पड़ते कि हम यार ईमानदारी पूर्वक अपना गठबंधन के मतदान करके ये जे युद्ध रूपी जे चुनाव है ओकरा सफल करवे। यदि अपने सब सब कोई संकल्प ले लेवे निश्चित रूप से ओय में सफल हेवे से हमरा विश्वास है। ये हम विश्वास व्यक्त करें। एक हुनका जे राष्ट्रीय राजनीति बहुत साथी सब जे अपने कहे छे कि बाप रे भाई गठबंधन मिले तो कांग्रेस सब ही कहे वो कहे, कांग्रेस के काम है दम देना है। एक हुन तक यदि कांग्रेस के इतिहास उल्टा कर देखबे तो कांग्रेस और वही देश के दुर्भाग्य दोनों साथ साथ चले हैं। जब जब कांग्रेस के नेतृत्व वही देश में ले आई देश के राष्ट्रीय राजनीति में कोनो ने कोनो प्रकार के दुर्घटना भेलैया। हम खाली विरोध के लेल ही नहीं कही थी, हम अपने के संपूर्ण नेता साथी सबके एक बार अपना और इतिहास पलटा कर देखियो। 2008 साल से एक हुन तक कांग्रेस के जब जब मौका भेटले तो नेपाल और नेपाली जनता के साथ कोनो न कोनो प्रकार के दुर्घटना कोनो न कोनो प्रकार के राजनीति भड़खालों में पारल के 2008 साल में आके 2015 साल तक कल के संविधान सभा मार्फत संविधान बनेवे वहां के निर्वाचन नहीं करवा सकल के 15 साल में निर्वाचन भले अपने के कांग्रेस के कंफर्टेबल मेजोरिटी झंडे दुई तिहाई वाला सरकार बनले। लेकिन देखियो विधि के विडंबना आके वो 2017 साल में राजा टेक ओवर कर दिल के कांग्रेस सरकार निक जगह चलवा नहीं सकल के व्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त अराजकता लोग में असंतुष्टि मिले और वही जग पर टेक का राजा टेक ओवर कर दिल के और 30 वर्षीय अपने के पंचायती निरंकुशता व्यवस्था नेपाली जनता के झेल पर अपने के 2046 में परिवर्तन के बाद 2048 में फिर नेपाली कांग्रेस के जनता बहुमत दल के सरकार बनोल के। लेकिन कुत्ता के जना घी नहीं पचे है नेपाली कांग्रेस के सत्ता नहीं पचे है। आज के 3 साल में चुनाव करवा पड़े वो आगे दोसर तरह देश की बनौती अपने में यत पटका पटकी केल के अपने में यत लड़ाई केल के कि आगे वो 5 साल के सरकार में चल सकले। 2051 साल में मध्यावी चुनाव भेले ककरो छुपल नहीं और 2051 के बाद नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति में जे प्रकार के विकृति संसद खरीद बिक्री प्राणो पजेरो आगे भितरे ले सूरा सुंदरी भित्रे ले संसद सबके होटल में आई होटल में वही होटल में कखनो हेलीकॉप्टर पर बॉर्डर वही कता कहियो जयपुर राजस्थान दिल्ली करत करत नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति में जे प्रकार के विकृति विसंगति भ्रष्टाचार अराजकता के आके वातावरण बनल के
अहाँ के नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति दल प्रति नेता प्रति एक प्रकार के प्रतिष्ठा भेले ओकर जग में माओवादी वही मौका के ताक में रहे जनयुद्ध आके शुरू कल के कल के ये और फिर 2056 साल में चुनाव भेले फिर वो एक बार नेपाली जनता कांग्रेस के वोट दका ओकरा बहुमत कल के जकरा नाम पर वोट मंगल के आके कृष्ण प्रसाद भट्टराई के चेहरा दिखा के वोट मंगल के ये को साल नहीं रहा दल के अपने सब देखने हमें एक कोनो प्रमाण के रूप में है कृष्ण प्रसाद भट्टराई के पार्लियामेंट में संबोधन तक नहीं करा दल के उनका कहीं तक निकला पड़े ये नेपाली कांग्रेस के इतिहास है एक खुद का जो प्रधानमंत्री है ये प्रधानमंत्री यहाँ के जब सत्ता नहीं चल सकले तो पार्टी व्यवस्था जाकर राजा के पांव में चढ़ा दल और फेनो शाही कुशासन शुरू भेले फेनो शहादत दिया पड़े और हम और फेनो 62-63 के आंदोलन के मार्फत अ देश में राजनीति परिवर्तन लोली हमरा बुझाया एक बेर लोग असफल वजह है तो कहा दोसर बेर मौका दह दोसर बेर यदि कदाचित असफल वजह है तो तेसर बेर मौका दे यदि तेसरो बेर असफल हो जाते तो हमरा बुझाए ओकरा कहि दे कि बुआ साइड लग जा आप दे कुछ होई बना के लेकिन नेपाली कांग्रेस के जे वर्तमान प्रधानमंत्री है जे सभापति है वो एक बेर नहीं दो बेर नहीं तीन बेर नहीं पांच पांच बेर ऐ देश के नेतृत्व करे के ओकरा अवसर भेटले आई ऐ देश के जे दुरावस्था है आदरणीय नेता साथी सब अपने सब नेता छिए हम अपने सबसे आग्रह करना चाहे थी कि एम की वेर के चुनाव खाली चुनाव मात्र नहीं है एम की वेर के चुनाव आई देश में लोकतंत्र के भविष्य के निर्धारण करे के बात है आई देश में संघीयता के भविष्य के निर्धारण करे के बात है आई देश में सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य व्यवस्था रहते कि नहीं रहते तकर निर्धारण करे के चुनाव है ये चुनाव समावेशी मुलुक रहते कि नहीं रहते वक्कर चुनाव है ये देश में मल्टी पार्टी सिस्टम रहते कि नहीं रहते तकर चुनाव है ये सामान्य चुनाव नहीं है अगर सामान्य रूप में नहीं बुझियो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़का दलगत व्यवस्था पर अपने के काला बादल मटा रहा है अपने सब देखने में सामाजिक संजाल में मीडिया में काठमांडू के चर्चा में गली गली में लोग कहे छे नेता सब असफल हो गए दल सब असफल हो गए तई दुआरे एक उन गाम गाम में भदवरिया बेन जगह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोग जाग रहे अकर कारण है काठमांडू में बालन शाह के जीत इस सामान्य बात ने है ये अपने के सूचक है कि आज देश के राजनीति दशा और दिशा के यदि हम और ठीक ढंग से नहीं लेबे यदि हम और अपना सामान्य चुनाव के रूप में लेबे तो बहुत बड़का दुर्घटना आगे निकट भविष्य में है तई दुआरे आदरणीय साथी साहब हम अपने सबसे आग्रह करना चाहे छी आज अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाल के बदनामी भर रहा है नेपाल में लोग इतना दूर दूर छिछ छिछ करे है आप देखने है वे ऐसा पहले लुम्बिनी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आल छले नरेंद्र मोदी एक मंच पर बैठा रहा है बजरा में अपना और देश के प्रधानमंत्री बैठा रहे वो अपने के ध्यान करते रहे पूजा करते रहे अपना और के प्रधानमंत्री नीक जगह बैठो नहीं सक रहा है वो अपने के ध्यान करते रहे अपना और के प्रधानमंत्री के लेर चुवाते रहे आई अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाल के बेनती भरा है कि नेपाल में नीक लोग नहीं है नीक नेता नहीं है ये लेर चुआ प्रधानमंत्री के केना कट हो सकबे तई दुआरे हम अपने सबसे आग्रह करना चाहे छी सम्मान्य बात नहीं है जेना कोनो गाम में दू नंबर आदमी भजा है कोनो एरिया में खराब लोग भजा है पूरे काम के बेइज्जती भजा है तेरा इते नेपाल के मान सम्मान प्रतिष्ठा के बात है नेपाली कांग्रेस में फेनो इलेक्टुआ के विकल्प नहीं है यदि नेपाली कांग्रेस बहुमत हेते तो फेनो यहाँ प्रधानमंत्री हेते आ हमरा यहाँ के यह इलेक्टुआ के शासन में रह पड़त अहि दुआरे इस सम्मान्य चुनाव के रूप में अगर नहीं बुझा पड़ते ये गठबंधन करे के पछाड़ी बहुत बड़का मोटो है बहुत बड़का उद्देश्य है कि तमाम प्रकार के समस्या से निजात दिवे के लिए आई देश के राष्ट्रीय राजनीति के को दशा और दिशा परिवर्तन करे के खातिर आई देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के संस्थागत करे के खातिर
देश में संघीय प्रणाली के मजबूत करने के खातिर देश में आर्थिक के अनियमितता है जे प्रकार के अपने के उछृंखलता है ओकरा समाप्त करे के खातिर आई देश में जे प्रकार के भ्रष्टाचार अपने के संस्थागत भ रहल है वो भ्रष्टाचार के निर्मूल का सुशासन के कायम करे के खातिर आई देश के आर्थिक रूप से रूपांतरण करे समृद्धि बनवे के खातिर और समृद्धि प्राप्त कर आई देश के समाजवाद और न जाए के खातिर ई गठबंधन के चुनाव जीतना अनिवार्य शर्त है। तै दुआरे आदरणीय साथी सब हम अपने सबके बात बुझ सके थी हम अपने सबके साथ में रह वाला जमीन से जुड़ल एगो सिपाही थी पार्टी के अपने सबके लगे था कि हमारा अध्यक्ष जी कहा एक हूं भरखरे स्थानीय चुनाव भाग चले दोनों पार्टी यहाँ के सरहा जका लड़ल छेगा अपना अपना जीत कर ले मन में हेत लेकिन दोसर बात जब बड़का उद्देश्य प्राप्त करे के हो जना अर्जुन के कहल कि तू कथी देख रहा थी तो कहल के हम आंख मात्र देख रहा थी दोसर योद्धा सब के पूछल के कथी देख रहा थी तो कोई कहल के गाछ देख रहा थी कोई कहल के डाहिर देख रहा थी कोई कहल के सौंसे माछ देख रहा थी ओकरा पते नहीं भेले लेकिन अर्जुन खाली आंख देखत रहे तो वो अहाँ के भेदन कल के और वो अहाँ के सफलता प्राप्त करते आदरणीय ये माले सब आपद संपूर्ण आदरणीय नेता साथी सब के आग्रह करना चाहे थी और जनता समाजवादी नेपाल से आपद नेता साथी सब आग्रह करना चाहे कि हम के गांव में हो देते पटका पटकी हो देते आके एकदम एक दूसरे के आके राजनीति रूप से प्रतिद्वंदिता हेते लेकिन यदि देश बचवा चाहे थे यदि यहाँ देश के लोकतंत्र के बचवा चाहे थे आई देश में गरीबी के निर्मूलीकरण चाहे थे आई देश के मान सम्मान चाहे थे आई देश में फिर संघीयता के संस्थागत कर चाहे थे तो आगे गांव के झगड़ा के विश्रम आगे स्थानीय चुनाव वार्ड में लड़ल छे वही के विश्रम रख यदि वही चीज लगा मात्र रह जबे तो जीवन एनाते सब दिन भ जेते आई दुआरे हम अपने सबसे हाथ जोड़ कर विनम्रता पूर्वक आग्रह कर चाहे छी कि देश के भविष्य के बात है ये नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति के एगो नया डिस्कोर्स तय करवे तकर सवाल है अहाँ के वार्ड के समस्या पालिका के समस्या के विषय का यदि हम अर्जुन जका ये लक्ष्य प्राप्त करे छे ये लक्ष्य आई देश में एगो सवल नेतृत्व के लीडरशिप में सरकार बनते जनाते हमारा के मधेश में अपना के गठबंधन के सरकार बनते और हम यार जे भी समस्या है चाहे वो विकास के सवाल है चाहे यहाँ के सुशासन के सवाल है चाहे कार्यकर्ता के संरक्षण संवर्धन के सवाल है इस तमाम प्रकार के समस्या के हम यार संबोधन कर दे से बात निवेदन करना चाहिए। आदरणीय साथी साहब विपक्षी सब दो तीन का बात कहानी हल्ला उड़वे है अध्यक्ष जी कहीं सुनियो हमार कहा जो उम्मीदवार है यदि सब से हल्ला उठवे है कि दोसर क्षेत्र के है हम अपने सबके बीच में निवेदन करना चाहे थी कि हम भूमि पुत्र छे वकरा से पूछियो कि तू कौन क्षेत्र के छी वकरा से पूछियो कि तू कौन क्षेत्र के छी न तो तू घर के भेली न तो तू ससुरा के भेली न तो तू नहिरा के भेली वो कतौ के नहीं तू है तो देवबा के गणेश परिक्रमा करे वाला वो अहाँ के बूढ़ा नीलकंठ के है वो सिरहा के हेबे नहीं। दोसर बात जहां तक हमर सवाल है निश्चित रूप से हमर घर चोहरवा है जे एक खून वर्तमान में क्षेत्र नंबर 4 में पड़े है हम अपने के दोसर नेता जगह भगौरा नहीं छी दोसर नेता जगह इस क्षेत्र में काम नहीं के लिए जनता इनकी बार वोट नहीं देते तै द्वारे दोसर क्षेत्र में चलू तेहन नेता नहीं छिए ये पार्टी हमरा निर्देशन दका सिपाही के रूप में खटल के और हमरा लगे ये समय के संयोग कहियो हम सोचनो होने रहिए ये ऊपर वाला पीढ़ी के विधाता कहियो या कहियो कहियो हम सोचे छे कि हम एक क्षेत्र के जनता के कर्जा खेने छे ऋणी छे वही द्वारे वो ऋण चुकवे के खातिर हम
हमरा बुझाया या भेज देने सही कुमारे न तो नैरा के है न तो ससुरा के है लेकिन राज किशोर अपने सबके बीच में जिम्मेवारी पूर्वक ईमानदारी के साथ आज हम संकल्प ले छी कसम खाई छी अपने सबके आशीर्वाद साथ और सहयोग से हम निर्वाचित हेबे हम एक जनता के सुख दुख में अपने सबके साथ रहबे 24 घंटा आगे जनप्रतिनिधि आगे रहते से अनुभूति करेबे से संकल्प के साथ हम कसम खाई छी से बात दोसर बात जहां तक विकास के सवाल है तहां ओ मुतो छपने से ओना तो 48 से कोनो ने कोनो रूप में पावर में रहले लेकिन 56 से तो प्रत्यक्ष रहले पूरे क्षेत्र में घूम कर देख लिएगा एक कोटा एहन काम नहीं है जकरा ओ कह सके कि काम हम करूनी छी लेकिन हम अपने सबसे आग्रह करना चाहे थी आयो क्षेत्र नंबर 4 में जाओ आज के दिन में एक खुनो घुर्मी मटलेसर बाजार में 18 करोड़ रुपए आयाल है वो कर डोजर एक चलते हैं आज के बात कही थी कल हमरा मैसेज कर के इंजीनियर साहब एक बार देखाए भाई की कल्याणपुर मिर्चैया सिरहा सड़क में और चोहरवा सिरहा सड़क में 94 करोड़ रुपया भाई 6 महीना के भीतर लाए का वो कर स्थापना के लिए काम करे हम अपने के मोबाइल दिखा दे चाय का पुल आहा के प्रयास से परल है ओकर जगह देखा दियो हम कहलियो हम देनी प्रचार करे छी इंजीनियर साहब कहते कि कोन कार्यकर्ता के लगा दियो जे जगह सब देखा दे तै द्वारे हम निवेदन करे चाहे छी कि एम की वे ऊपर वाला के बुझा मर्जी है ये तीनों बछड़ा जे प्रकार के हम और 64 में फोरम 5 का जीतल रहे वही में हम यहां आए के विजय जी शत्रुधन जी हम तीन को अपना अपना क्षेत्र से जीत लिए आज देखियो कि हम दैवी चक्र चल रहे कि हम और आई एक गो मोर्चा में एक गो गठबंधन में एक गो एक साथ एक गो में के तीनटा बेटा जका आज हम और विपक्षी के छाती पर बैठ कर रहरी के दल दबाई के खातिर जमा भा ते द्वारे हमरा बुझाइया कि हम और ओकरा से सब चीज में सबल छी यदि लोग कहते दौड़े लगा ले लिख लिख के दौड़ लगा दे मैराथन दौड़ लगा ले तो हम तीनों जो है वो उम्मीदवार सबके डांड में बैठ के दौड़ के भाग जाते हैं द्वारे आदरणीय साथी सब हमार मेयर साहब खाली टकनिया के पुल के बात कर गई हम अपने के भैया सौभाग्य सा धनगरी के मेयर भाई सुखीपुर के मेयर हमार बरियारपट्टी के मेयर नवराजपुर के मेयर और ही के मेयर अपने और के हैं हम अपने से आग्रह करते आई थी हम अपने सबके मन के बड़का बना ये क्षेत्र एम की बेर इतिहास रचते ये क्षेत्र एम की बेर राष्ट्रीय राजनीति के चर्चा के विषय बनते चाहे विकास के सवाल हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दा के सवाल हो हम अपने के कली कटनिया पुल तो झटके में बनते अपने के 0 माइल से लगा बरियारपट्टी रोड के स्तर उन्नति के सहित एक नंबर के रोड नेपाल में देखे वाला रोड आके बनते से प्रतिबद्धता जाहिर कर चाहे छी अपने के अहिया के नगर सब स्मार्ट सिटी के रूप में रूपांतरण कर अहिया के जनता के हम सुविधा संपन्न बनेबे से विश्वास दिव चाहे छी अइ द्वारे हम अहा के जरे दुख में और सुख में साथ में रहा यदि ककरो एहन बात हो विपक्षी नेता सब कहे तो हम अपने सबके आज ई अधिकार दै छी मेयर साहब सब हमर नेता सब कि एक गो मंच लगा दियो एक गो मंच पर वही गठबंधन के नेता रहे एक कथा हम रहबे यदि वो कर सवाल के जवाब हम नहीं देवे तो हम आ जाइए सब उम्मीदवारी फिर दाल लेबे से निवेदन करता है एक बारे राजनीति कोनो दलाली के विषय में है राजनीति कोनो चक्का उचारी के विषय में है राजनीति विशुद्ध हम और सेवा करे के खातिर देश बनवे के खातिर समाज के रूपांतरण करे के खातिर जीवन में बहुत बड़का बड़का अवसर के छोड़ कर अपने सबके बीच में आए छी एहि द्वारे आदरणीय तमाम हमर नेता साथी सब हम आग्रह करे चाहे छी कि अहाँ सब मन के बड़का बना के छाती के फुला के फौलादी के तरह
सेना के तरह आप अपने सब काम में घुस जाओ, चाहिए जे विपक्षी बुझाइयो ओकरा कहियो कि तू अपनो नेता के ला हम अपनो नेता के लगे छी। आइ दुआरे एम की बेर ओकरा और के मुंह तोर जवाब भेटते पार्टी जे प्रकार के विश्वास क का हमरा अइया खटौने है और अपने सब के विश्वास पर हम याल छी। हमरा बुझाई दैवी चक्र है जे प्रकार के तीनों हमर स योद्धा मित्र सब हम यहाँ साथ साथ में लंबा समय से काम करे छे। हमरा बुझाया एम की बेर जनकपुरो में इतिहास रचेते और काठमांडू के पार्लियामेंट में सेहो इतिहास रचेते। ई दुनो योद्धा जनकपुर जेते तो हमरा बुझाया कोई यह सब पर भारी पड़ जेते और काठमांडू में यह अवस्था रहते। अइ दुआरे सिराहा जिला क्रांति के सवाल पर आंदोलन के सवाल पर हमरा बुझा बारंबार प्रमाणित के है कि सिराहा के लोग में सिराहा के माइट पानी में और यह हवा पानी में कुछ और है। दोसर जिला जका न तो कायर है न तो कमजोर है। विभिन्न समय में सिराहा अपन इतिहास के एकदम गौरवान्वित के नहीं एम की वे सिराहा जिला के चारों क्षेत्र आठों प्रदेश सभा के क्षेत्र निर्वाचित ककर यदि गठबंधन सब अपने सब पठबै छियै तो हमरा बुझाइए काठमांडू और जनकपुर दुनू जगह इतिहास रचते से निवेदन करैत से आग्रह करैत आज अपना सब कोई संकल्प लू हम अपने सबके जनप्रतिनिधि के रूप में हमर जो दायित्व है जो हमर कर्तव्य है इस तमाम नेता के बीच में राख कर अपने सबके बीच में राख कर हम अब एको कदम पाछू नहीं हम से संकल्प कसम सहित के संकल्प ले प्रतिबद्धता जाहिर करे ओनाई के अपनो सभी करबे से आग्रह करे। अबे वाला दियावती छठ के हार्दिक मंगल में शुभकामना दे अपने सबके जीवन धन्य धन्य हो हम यार सब चरण में सफलता हासिल करी अपने के परिवार में समाज में सुख समृद्धि हो मुलुक समृद्धि के दिशा दिशा में बढ़ सके। आई देश में सुशासन कायम हो आई देश में शांति कायम हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाल के नाम रोशन हो कामना करे हम अपन वाणी के विराम दिया चाहे नमस्कार। जय मधेश लाल सलाम अभिवादन।